जब भी कुछ मीठा और चॉकलेटी खाने का मन हो तो बनाइए ये सुपर क्विक एंड इजी चॉकलेट फज, जिसे आप फ्रेंड्स और फैमिली को भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम व्हाइट चॉकलेट फज बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है पानी, हम डबल बॉयलर से मेल्ट करेंगे चॉकलेट को और पानी को बिल्कुल अच्छे से बॉयल होने देते हैं। तो पानी अच्छे से बॉयल हो गया है और अब हम रखते हैं ये माइक्रोप्रूफ बोल या कोई भी आप स्टील कंटेनर रख सकते हैं और यहाँ पर हम फ्लेम को धीमा कर देते हैं या फिर आप बंद भी कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालते हैं 300 ग्राम व्हाइट चॉकलेट और चॉकलेट को हम बिल्कुल अच्छे से मेल्ट करेंगे। हमेशा चॉकलेट को आपको डबल बॉयलर से ही मेल्ट करना है, अगर आप डायरेक्ट गैस के ऊपर मेल्ट करेंगे तो चॉकलेट जल जाती है या फिर आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार फ्लेम को बंद कर देते हैं क्योंकि पानी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम चॉकलेट को हल्का स्टर करते हैं और तब तक हम इसे डबल बॉयलर से कुक करेंगे जब तक कि चॉकलेट पूरी तरीके से मेल्ट ना हो जाए। हमें चॉकलेट को कंटिन्यूसली स्टर नहीं करना है, हम इसे ओकेजनली स्टर करेंगे ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो देखिए डबल बॉयलर से मैंने चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लिया है और हल्के फुल्के लम्स हैं तो अभी हम और मेल्ट करेंगे इसे। और इसी समय इसमें हम डालते हैं कंडेंस मिल्क। तो इसमें हम डालते हैं 250 ग्राम कंडेंस मिल्क और कंडेंस मिल्क डालकर एक बार इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और डबल बॉयलर से हम इसे मेल्ट करेंगे। तो कंडेंस मिल्क डालकर मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये चॉकलेट का मिक्सचर रेडी हो गया है और अब इसे हम किचन प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। तो ये चॉकलेट को मैंने डबल बॉयलर से अच्छे से मेल्ट कर लिया है और अब इसमें हम डालते हैं थोड़े से चॉकलेट कुकीज़। यहाँ पर रफली तोड़कर हम चॉकलेट कुकीज़ डाल देंगे, ये आप जितना खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो सभी कुकीज़ को डाल दिया है और एक बार इसे हम अच्छे से मिक्स करते हैं। आप जितना ज़्यादा चॉकलेटी खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं कुकीज़। तो इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है और अब इसे हम डालते हैं टिन में। तो व्हाइट चॉकलेट फज स्प्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पे 7 इंच स्क्वायर टिन लिया है और इसके अंदर मैंने ये बेकिंग पेपर लगा लिया है जिससे कि डिमोल्ड करना काफ़ी इजी होगा। और यहाँ पे बेकिंग पेपर को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली फज को डालते हैं पैन में। पैन में डालने के बाद इसे हम इवनली स्प्रेड कर लेते हैं चारों ओर, स्लाइटली प्रेस करते हुए हम इवनली स्प्रेड करेंगे। तो मैंने चॉकलेट फज को इवनली स्प्रेड कर लिया है और अब इसे हम फ्रिज में आधे घंटे के लिए सेट होने रख देते हैं। तो अब चलिए सेकेंड लेयर बनाते हैं फज का। तो इसके लिए मैंने सेम वही डबल बॉयलर से ही हमें चॉकलेट मेल्ट करना है। नीचे मैंने बोल में लिया है पानी और ऊपर मैंने ये माइक्रोप्रूफ कंटेनर रखा है। यहाँ पे मैंने लिया है 400 डार्क कंपाउंड जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है और इसे भी हम डबल बॉयलर से अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप माइक्रोवेव में इसे मेल्ट कर सकते हैं। तो चॉकलेट को अब हम इस तरीके से स्टर करते हुए मेल्ट करेंगे और यहाँ पे मैंने फ्लेम को एक बार बंद कर दिया है क्योंकि पानी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तो देखिए चॉकलेट पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है और अब इसमें हम डालते हैं कंडेंस मिल्क। तो यहाँ पे मैंने लिया है 200 ग्राम कंडेंस मिल्क, इसे हम डाल देते हैं और कंडेंस मिल्क डालकर एक बार फिर से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ही आप कंडेंस मिल्क डालेंगे वैसे ही ये मिक्सचर काफ़ी थिक हो जाएगा। ये देखिए कंडेंस मिल्क डालने से ये थिक हो गया है और इस समय हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे अब हम कंटेनर से हटाते हैं। तो कंडेंस मिल्क डालकर इसे मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये देखिए काफ़ी थिक हो गया है ये मिक्सचर। और इसी समय इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा वनीला एसेंस। तो एक चम्मच वनीला एसेंस डाल रहे हैं और साथ ही में कटे हुए आलमंड्स डालेंगे, ये आप जितना पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। और थोड़े से अखरोट डालते हैं और सभी को बिल्कुल अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा अखरोट और बादाम नहीं यूज़ किए हैं क्योंकि हम टॉप गार्निशिंग भी करेंगे। तो आप यहाँ पे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है और चलिए अब इसे हम व्हाइट चॉकलेट फज के ऊपर स्प्रेड करते हैं। मोल्ड में डालने के बाद अब इसे हम इवनली स्प्रेड करते हैं और ये ध्यान रहे कि जो नीचे वाला लेयर है वो बिल्कुल अच्छे से सेट होना चाहिए। तो मैंने एक घंटे इसे फ्रिज में रख दिया था और नीचे वाला लेयर अच्छे से सेट है, उसके बाद ही ये डार्क चॉकलेट वाला लेयर हम स्प्रेड करेंगे। तो इसे भी हम बिल्कुल इवनली स्प्रेड करते हैं। तो इस लेयर को भी इवनली स्प्रेड कर लिया है और अब इसके ऊपर हम स्प्रेड करते हैं थोड़े से कटे हुए बादाम, थोड़े से पम्पकिन सीड डालते हैं, थोड़े से अखरोट भी इसके ऊपर डाल देते हैं। जितना खाना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से स्प्रेड कर सकते हैं। तो सभी को स्प्रेड करने के बाद एक बार स्पैचुला से हल्का प्रेस कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स को स्प्रेड कर लिया है और अब इसे हम फ्रिज में 1 से 2 घंटे सेट होने के लिए रख देते हैं। इससे पहले भी मैंने बनारसी पान फज बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।
तो 2 घंटे हो गए हैं और ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। तो फिर अब इसे हम मोल्ड से बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से उल्टा करके बिल्कुल जेंटली हम टिन से बाहर निकालेंगे और अब इसे हम सीधा कर देते हैं और साइड से जो पेपर है इसे निकाल लेंगे। तो बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। पूरा हम पेपर निकाल लेते हैं और इस तरीके से हम इसे बोर्ड पे रखेंगे। और चलिए अब इसे हम स्लाइसेस में कट करते हैं। फिर मैंने इस तरीके से कट कर लिया है और अब हम लेते हैं एक स्लाइस, बाकी स्लाइसेस को साइड रखते हैं और इसे भी बिल्कुल इक्वल पोर्शन में कट कर लेंगे। तो ये सभी स्लाइसेस कट कर लिए हैं और बहुत ही अच्छा 2 लेयर्स चॉकलेट फज बन के रेडी हो गया है और इसे आप 1 मंथ तक स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो बन गया है बहुत ही सुपर क्विक, इजी और टेस्टी 2 लेयर चॉकलेट फज, जिसे आप घर में जरूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और भी रेसिपीज आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।